और इसको अगर आप कुछ सेट करना चाहें। नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हम पावर पॉइंट के थ्रू किस तरीके से किसी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं या हटा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हम एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए होम में यहाँ पे मिलता है हमको न्यू स्लाइड का ऑप्शन, ब्लैंक स्लाइड हमने इंसर्ट करी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास में एक पिक्चर है, इस पिक्चर का बैकग्राउंड हमको हटाना है। इस पिक्चर को हम पावर पॉइंट में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट में आएंगे, पिक्चर, एडजस्ट करना चाहें तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड हटाने के लिए जैसे ही हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे, नया मेन्यू अपेयर होगा यहाँ पे, फॉर्मेट। फॉर्मेट में फर्स्ट मिलता है हमको रिमूव बैकग्राउंड, इस पे क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड को ये रेंडमली रिमूव करेगा, जितना भी हमको एरिया चाहिए वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एरिया हमने ले लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिमूव का क्राइटेरिया है कि जो आपको पिंक कलर दिख रहा है वो पार्ट आपका रिमूव हो जाएगा और बाकी का पार्ट रह जाएगा। कुछ एरिया जो रह गया है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एरिया रह गया है, तो इसको हम मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको ये एरिया चाहिए, तो इसके लिए हम फर्स्ट ले लेते हैं, मार्क कर देते हैं इसको। इस तरीके से हम लाइन खींचेंगे और ये एरिया भी हमको लेना है, तो इस पे भी हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। ये कंप्लीट हमने इमेज मार्क कर ली जो एरिया हमको चाहिए। अब यहाँ पे ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया हमको नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम कर देते हैं मार्क एज ए रिमूव। क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे जो एरिया हमको रिमूव करना है। इमेज को थोड़ा सा आप जूम करके और क्लियरली इस काम को कर सकते हैं। ये एरिया हमने रिमूव कर दिया। जो सिलेक्शन किया है हमने, उसको रखने के लिए हम करेंगे कीप चेंजेस। इस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड। अगर आप इसको सेव करना चाहें इमेज को, तो इसको हम डायरेक्टली भी सेव कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, सेव पिक्चर एज, हमने इसको डॉक्यूमेंट में सेव कर लिया। एडिट न्यू, बैकग्राउंड हमने रिमूव कर दिया है। अगर इसमें हम कुछ बैकग्राउंड डालना चाहें तो हम डाल भी सकते हैं। जैसे एक इमेज और है हमारे पास में, इसको हमको बैकग्राउंड में डालना है, तो उसके लिए हम इस इमेज को इंसर्ट कर लेंगे वापस से पावर पॉइंट में। इसी के ऊपर हम दूसरी इमेज इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे हम, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स में है और बैक वन के नाम से है, इसको एडजस्ट कर लेंगे हम। जो इमेज हमने इंसर्ट करी है, इसको हमको बैकग्राउंड में डालना है, और जो पुरानी वाली इमेज है उसको फ्रंट में लेके आना है। तो हम इसको करेंगे सेंड बैकवर्ड। और इसको अगर आप कुछ सेट करना चाहें। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारे पास में दो इमेजेस हैं, इनको आपको सेव करने के लिए पहले इनकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ग्रुपिंग के लिए हम कंट्रोल प्लस ए करेंगे। दो या दो से ज्यादा इमेजेस जो भी हैं आपकी यहाँ पे, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ में कंट्रोल ए से। और यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप पे आएंगे और ग्रुप पे क्लिक करेंगे। अब ये जितनी भी इमेजेस हैं हमारी, यहाँ पे दो इमेजेस हैं, आपकी दो से ज्यादा इमेजेस हैं, तो वो भी यहाँ पे ग्रुप हो जाएगी। अब ये इमेज एक बार में सेव हो जाएगी। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे हम और सेव पिक्चर एज, यहाँ पे दे देते हैं हम इसको, यहाँ पे हमने इसको दे दिया एडिट न्यू वन, और सेव टाइप में हम यहाँ पे ले लेंगे जेपीजी फाइल। सेव कर दिया हमने, ये इमेज ओरिजिनल थी हमारे पास और ये वाली इमेज हमने क्रिएट करी है। एक विदाउट बैकग्राउंड ये वाली इमेज है हमारे पास में। पासपोर्ट साइज में आपको कई बार रिक्वायरमेंट होती है बैकग्राउंड हटाने की, तो आप इस तरीके से पावर पॉइंट के थ्रू भी बैकग्राउंड हटा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में आपने सीखा कि आप पावर पॉइंट के थ्रू किस तरीके से चुटकियों में बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।